सीतापुर में सहारा निवेशकों का 47वां दिन धरना जारी। यहाँ दोस्तों सीतापुर में सहारा निवेशकों का 47वां दिन धरना जारी। सहारा इंडिया में फंसा भुगतान वापस कराने की मांग, गांव-गांव शुरू किया संपर्क अभियान। बड़ी अपडेट दैनिक भास्कर से है। जैसे कि आप जानते हैं कि विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा नहीं मिला, उसी को लेकर सहारा के निवेशक अपने पैसे की मांग को करते हुए सीतापुर में बकाया भुगतान को लेकर सहारा इंडिया के खिलाफ सैकड़ों निवेशकों ने 47वें दिनों से आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा भी अब इस आंदोलन में हिस्सा लेकर कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन को नया रूप दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने सहारा निवेशकों के भुगतान जारी आंदोलन को अब जागरूकता अभियान के अंतर्गत देहात में आज आंदोलन का 47वां दिन जनसंपर्क अभियान शुरुआत की गई। यानी कि ये एक बड़ा यहाँ पर काम किया जा रहा है सहारा के विरोध। किसान मंच जिला संयोजक व सहारा निवेशक कमेटी अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा ने देहात क्षेत्र में आज निवेशक साथियों को आंदोलन के प्रति सहभागिता के साथ लोगों से अपने धन वापसी के लिए एकजुट होकर संघर्ष होने का आह्वान किया, यानी कि संघर्ष करने का आह्वान किया। राजकोटा मधुवापुर क्षेत्र में हुई भ्रामक शुरुआत में लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लेने का आश्वासन दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने सीतापुर धरना स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शुरुआत के बाद परिणाम की आशा के लिए दिन रात जागरूक संघर्ष की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सहारा को घेरा जा रहा है। गांव-गांव शुरू किया गया संपर्क अभियान। पिंदर सिंह ने कहा कि संघर्ष के लिए आम जनमानस को आपसी एकजुटता व हथियार होता है, यानी कि यहाँ पर एकजुटता को हथियार बताया गया है, जिसका विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं होता, फिर सफलता खुद ब खुद मेहनत के सामने घुटने टेक देती है। उन्होंने कहा कि बस इसी फार्मूले पर अमल करते हुए हम सभी को सहारा के भुगतान प्राप्त करना है, यानी कि सहारा से भुगतान प्राप्त करना है। इस धरना स्थल पर गुरुपाल सिंह, चंद्र मिश्रा, राजू अंसारी, नेपाल सिंह, शिल्पी विश्वकर्मा, कौशल कुमार गुप्ता, राजकुमार श्रीवास्तव, अंजनी सिंह, लखन राम, लखन प्रिया मौर्य, प्रदीप मौर्य, शिवपाल, रिंकू गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो ये धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन का धरना है, और ये धरना अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा धरना बन चुका है। जन आंदोलन के बैनर तले अब ये इसका विस्तार हो रहा है, और देखना यह है कि क्या सरकार या सेबी या सहारा कौन इस जो यहाँ पर धरने स्थल पर ये यहाँ पर बैठे हैं इनको कौन साथ आएगा, कौन इन पीड़ित निवेशकों का साथ देगा, ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर धरना रेगुलर चल रहा है और चलता रहेगा। ये थी सहारा से जुड़ी आज की दैनिक भास्कर में ताज़ा अपडेट। अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय जय भारत।